पिछले वीडियो में हमने कार्बन स्टील के बारे में देखा था कि पाइपिंग मटेरियल्स के लिए किन किन कोड का इस्तेमाल होता है। अब हम देखने वाले हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, शायद आपको पता होगा या हो सकता है बहुत से लोग न जानते हो। तो स्टेनलेस स्टील का जो मटेरियल है वो हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पहला फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील और तीसरा मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील। ये तीनों स्टेनलेस स्टील के टाइप्स हैं जिसमें हम जिसका उपयोग करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने पाइपिंग के लिए, अपने टैंक्स वेसल्स के लिए, वो होता है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है इसका यूज ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स और जो हम किचन के बर्तन वगैरह होते हैं उससे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जहां जहां कोरोजन रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है वहां हम इस फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसमें 16% क्रोमियम, 0.1% निकेल और बाकी का आयरन होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, थोड़ा आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मटेरियल के उसके कंपोजिशन को समझने में। उसके बाद जो मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील होता है इसका यूज हम ज्यादातर चाकू, ब्लेड या फिर डाइज, यानी जैसे ढांचा कहते हैं, उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें 17% क्रोमियम, 1% निकल और बाकी आयरन होता है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम अपने इंडस्ट्री में करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जिससे हम पाइपिंग, टैंक्स, वेसल वगैरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसके कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें 18% क्रोमियम, 8% निकल और बाकी का आयरन होता है। जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो ज्यादातर ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में ही बात करेंगे। और जब हम एलॉय स्टील की बात करेंगे तो ऑस्टेनेटिक के साथ साथ हम फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसे भी थोड़ा बहुत देखेंगे हम। तो एलॉय स्टील के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एलॉयिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, सिलिकन वगैरह, जो भी एलॉयिंग मटेरियल होता है जिसे हम स्टील के अंदर मिलाते हैं ताकि उसके प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट हो। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जब भी आप एलॉय स्टेनलेस स्टील के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसमें अगर क्रोमियम मिला रहे हैं तो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी। तो इसलिए पहले थोड़ा सा हम इन एलॉयिंग एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे। अगर हम कार्बन को एज अ एलॉइंग मटेरियल यूज करते हैं तो ये मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज करता है, ठीक है, बट डक्टिलिटी और जो टफनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैग्नीज की बात की जाए तो ये स्टील को डीऑक्सीडाइज और डीसल्फराइज करता है, यानी उसमें से ऑक्सीजन और सल्फर को रिमूव करता है, साथ साथ टफनेस को थोड़ा इंप्रूव करता है। इसके बाद देखते हैं सिलिकॉन। तो अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो ये भी एक तरीके का डीऑक्सीडाइजर है, यानी अगर स्टील के अंदर कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हो या फिर अगर पोरोसिटी वगैरह हो तो उसे खत्म करता है। इसके साथ ही जो कास्टिंग की प्रॉपर्टी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। चलिए अब थोड़ा सा क्रोमियम के बारे में देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज ए एलॉइंग मटेरियल कार्बन स्टील के अंदर। तो क्रोमियम मटेरियल के एब्रेशन और वियर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करता है। इसके साथ ही जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हाई टेम्परेचर पर कार्बन क्या करता है, अपना कैरेक्टर चेंज करके वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। तो क्रोमियम क्या करता है कि इस चेंज को रोकता है, इस बदलाव को रोकता है, यानी क्रोमियम के मिलाने से स्टील हाई टेम्परेचर को भी रेसिस्ट करता है। ये चीज क्लियर है। अब थोड़ा मोलिब्डेनम के बारे में देखते हैं। मोलिब्डेनम क्या करता है, तो ये क्रीप रेसिस्टेंस, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ के साथ साथ पिटिंग कोरोजन रेसिस्टेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। आगे अगर निकेल की बात की जाए तो ये फ्रैक्चर टफनेस और फैटिग रेसिस्टेंस को इंप्रूव करता है। इसके अलावा एक कॉपर भी होता है जिसे हम कभी कभी एज ए एलॉइंग एलिमेंट यूज करते हैं। तो कॉपर क्या करता है कि जो भी सल्फर के साथ जो कचड़ा वगैरह होता है उसे निकालता है और एटमोस्फेरिक कोरोजन रेसिस्टेंस को इंप्रूव करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, ये सब चीजें केवल देख लेने से ही क्लियर नहीं होने वाली। जब भी आप किसी की भी वीडियो देखो तो सीखने के पर्पज से नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठो तो बेहतर होगा, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हो उनको नोट कर लिया करो। इंटरव्यू में छोटे छोटे चीज पूछे जाते हैं यार, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता है, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं इंटरव्यू के दौरान।
तो ये सब अगर आप नोट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके मेमोरी में ज्यादा देर तक वो चीजें रहने की संभावना रहती है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और आगे के वीडियोस में हम एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील के कोड्स के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और मुझे पता है कि आप लोग फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने एक 3-4 मिनट की वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों का प्यार और जो भी सपोर्ट है वो दिखा मुझे। तो इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि देखो काम करने के लिए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन की जरूरत होती है, हर इंसान को होती है। इंसान लाइफ में कई बार लो फील करने लगता है तो उसे मोटिवेट करना जरूरी है, तो आप जब सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।